हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब तक 7 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ये 8वीं प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ ओमेगा के इक्वल है, देन अगर मैं इस सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दूं माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी तक, ठीक है, एक्स ऑफ नया वेरिएबल ले लो टी के जगह टो ले लेता हूं, चलो डी टो, देन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता? एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जीरो डेल ओमेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिलहाल देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो प्रॉपर्टी काफी आसान है, एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जीरो का मतलब क्या, जो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा ना उसमें ओमेगा की जगह जीरो रखेंगे वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे और वैल्यू लगाएंगे इंटू डेल ओमेगा। तो शुरुआत करते हैं चलो क्वेश्चन के साथ। पहला पूछा गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, पहले क्या निकालना है मुझे, यूटी का निकालना है, यूनिट स्टेप का, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, एफ टी बराबर, इसे फंक्शन नाम दे दिया मैंने, एफ टी बराबर यूटी दे रखा, ठीक है। देखो इसमें इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से अगर टो तक डेल्टा टी का जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होता है डी टो, वो किसके बराबर होता है, यू टी के बराबर होता है। इसका मतलब अगर इस वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, और यही मेरी प्रॉपर्टी भी है। देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से टो, अगर जो फंक्शन है एक्स टो डी टो, यानी मेरा एक्स टी जो यहाँ से वो कितना बनना है डेल्टा टी, ठीक है। प्रॉपर्टी को मैं देखता हूँ, प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी अभी ऊपर वो क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी एक्स टो डी टो बराबर क्या था, एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई कैपिटल एक्स ऑफ जीरो डेल ओमेगा, ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ पे, तो एक्स टो जो है यानी डेल्टो के बराबर है, यानी एक्स टो मतलब एक्स टी की वैल्यू कितनी है डेल्टा टी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो राइट साइड में क्या चाहिए, एक्स ऑफ ओमेगा जो इस एक्स ऑफ टी है यानी डेल्टा टी है, उसके एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए और उसकी वैल्यू जीरो पे, तो मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में कामयाब रहूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कंपेयर करने पर क्या मिला, एक्स टी जो किसके बराबर है डेल्टा टी के, सॉरी एक्स टी किसके बराबर है डेल्टा टी के, ठीक है। तो अब मुझे पता है डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, क्योंकि मुझे एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए ना, वो कितना होता है वन, ठीक है। ये जो मेरा क्या है यहाँ पे ध्यान से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये कितना है मेरा एक्स ऑफ टी और मेरा ये वन जो आया क्या है वो एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए थी, एक्स ऑफ ओमेगा और पाई एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि हम जो निकालने ये इसी का डेरिवेटिव निकालने ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप जो यू टी था वो किसके बराबर था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी डेल्टा टी सॉरी डेल्टा टो डेल्टा टो डी टो, ठीक है, किसके बराबर था, एक्स ऑफ ओमेगा के बराबर, एक्स ऑफ ओमेगा क्या वैल्यू आई है वन वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो कितना होगा जल्दी बताओ, अगर ये एक्स ऑफ ओमेगा बराबर वन है, एक्स ऑफ ओमेगा बराबर वन है, अगर मैं इसमें जीरो डालूँ तो वैल्यू क्या रहेगी, उधर तो ओमेगा का टर्म है ही नहीं, तो वैल्यू क्या रहने वाली है वन ही रहने वाली है, ठीक है, टू डालूंगा तब भी बनी रहेगी, तो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू तो आ गई वन डेल्टा ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या आ गया,
यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, मुझे यूटी का ही चाहिए था, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ चुका है सॉल्व होके, वन अपॉन जे ओमेगा पाई टेल ओमेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना ही रखना, ठीक है। तो यूटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक है। मैंने इसलिए इसको प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया ताकि आगे जाके जब मैं क्वेश्चन में इसको यूज करूं तो ये मत कहे कि ये वाला फॉर्मूला यूटी का कहां से आया, ठीक है। अब दूसरा और था, एक और क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से देखो, सिग्नम फंक्शन का भी तो मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, सेकेंड वाले की बात करते हैं इसी तरह से, सेकेंड वाला क्या, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, क्या होता है सिग्नम फंक्शन, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, सिग्नम फंक्शन जो होता है कैसा दिखता है, ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन, क्या होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए होता है वन, ठीक है, और टी लेस देन जीरो के लिए होता है वैल्यू माइनस वन, ठीक है, ठीक है, ये होता है किसका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो यहां से ये देख के तुम पता लगा सकते हो क्या इस फंक्शन को यूटी के टर्म में नहीं लिख सकते, ये किसके की वैल्यू है, यू ऑफ टी की वैल्यू है, ठीक है, यहां से, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस यू ऑफ माइनस टी की, ठीक है, यू ऑफ माइनस टी जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना, माइनस वन। तो मैं सिग्नम फंक्शन को अगर मैं एफ टी कहूं तो कैसे लिख सकता हूं, एफ टी के अगर मैं इसको कहता हूं, ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये किसका सम है, u of t माइनस u of माइनस t का, ठीक है, इन दोनों को मिला के बना ये सिग्नम फंक्शन, हमने ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऊपर ही लिखा हुआ है उसका, और u of माइनस t का मैं कैसे निकाल लूंगा, टाइम रिवर्सल से, ठीक है, तो ut का हम मैंने अभी ऊपर निकाला है तो क्या आया था, वन अपॉन इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था अभी, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए यू ऑफ माइनस टी का, यू ऑफ माइनस टी के लिए पहले प्रॉपर्टी होती है टाइम रिवर्सल, एक्स ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे यू ऑफ माइनस टी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस ओमेगा से, जहां जहां पे ओमेगा आ रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा, माइनस का ओमेगा प्लस पाई डेल्टा माइनस ओमेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि ये किस तरह का हो जाएगा, यू ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, वन अपॉन माइनस जे ओमेगा पाई डेल्टा माइनस ओमेगा, क्या होता है, सेम ही रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी याद होगी अभी तक जो मैंने पढ़ाई थी, जो डेल्टा ओमेगा होता है, यानी मैंने वहाँ पे डेल्टा टी पढ़ाया था वो डेल्टा माइनस टी के बराबर ही होता था, ठीक है, तो यहाँ पे डेल ओमेगा तो किसके इक्वल रहेगा, ये डेल ऑफ माइनस ओमेगा के, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख लूंगा, डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे यू ऑफ टी का मिल गया, यू ऑफ माइनस टी का मिल गया, तो मुझे एफ टी क्या निकालना, यू टी के में से यू ऑफ माइनस टी के क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना, तो निकाल देते हैं बस, कितना आ गया एफ ऑफ ओमेगा, कितना आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, सबट्रैक्ट कर देना है किसे, यू ऑफ माइनस टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को, ये कितना आया, माइनस वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई टेल ओमेगा, ठीक है, तो एफ ऑफ ओमेगा वन अपॉन
जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, वन अपॉन जे ओमेगा, ये प्लस का हो जाएगा और वो वाला माइनस का हो जाएगा डेल ओमेगा। तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म तो कैंसिल हो गए, सॉरी यहाँ पे पाई भी है, ठीक है ये कैंसिल हो जाएंगे, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस वन अपॉन जे ओमेगा हो जाएगा टू बाई जे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, एफ ओफ ओमेगा का किसके इक्वल आ गया, टू बाय जे ओमेगा। तो आगे से याद रखना क्या, सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम का फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या होता है, टू अपॉन जे ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है इसको क्या करेंगे सब याद रखेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यूटी का पता चल चुका है तो नहीं समझ लो, बहुत चीजें हम निकाल लेंगे अब यूटी के हेल्प से, ठीक है। देखो एक एक फंक्शन को मैं कैसे प्रॉपर्टी के हेल्प से यूज भी कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी भी हम साथ के साथ याद करते चले जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।